जो है क्लास लेंगे जो वो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। तो जो बीच में समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि भाव किसको बोलते हैं। जब हम जन्म पत्री कहते हैं हमारा बिल्कुल खाली एक चीज़ है, खाका सबके यहाँ पर जन्म पत्री जब आप देखते हो तो सब में खिंचाव होता है, ठीक है। तो उसमें हम भाव किस चीज़ को बोलते हैं पहले ये समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ भाव किसको बोलते हैं। जो हमारे खाने बने हुए हैं 1 2 3 4 करके मैं इसमें नंबर लिख रहा हूँ, तो ये जो नंबर है ये सिर्फ भाव के गिनती के लिए बनाए हैं। ये ऐसे रखें, ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, मतलब इसको कुछ लोग तो भाव बोल देते हैं, कुछ बोलते हैं पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, इस तरीके से। ये 12 घर होते हैं जो हमारी जिंदगी की सारी चीजें हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमारी जिंदगी चलने वाली है। जैसे कि हमारा जो पहला भाव है इसको हम लगन बोलते हैं, लगन हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर असेंडेंट। इससे जो है ना कि हम जो अपने जो पहले भाव से जो हमारा जो कुंडली जन्म पत्री हम देखते हैं, तो पहला भाव जब हम जन्म पत्री खोलते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो पहले भाव से हम अपना स्वयं को देखते हैं, हमारी जो है कि पर्सनैलिटी कैसी है, हमारे को स्टेटस क्या मिलेगा लाइफ के अंदर, वो भी हम इससे देख सकते हैं। और जो है कि हमारे को रोग होंगे नहीं होंगे वो इसके लोड से मालूम चलेगा, हमारे का हेल्थ कैसी रहेगी, हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो सब चीज़, हमारा कलर कैसा होगा, वो सारी चीज़ हम अपने पहले से। तो एक तरीके से जो जिसकी भी जन्म पत्रिका है वहाँ पर कोई भी नंबर लिखाओ उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पहला भाव गिनती में आएगा, पहला घर, पहले घर को हम बोलते हैं असेंडेंट। और उससे हमारे बारे में मालूम चलेगा कि हम कैसे हैं, हमारा रंग रूप कैसा, हमारे परिवार कैसा है, वो सब कुछ। पहला सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है, क्योंकि जो भी बंदा पैदा हुआ है मतलब कि हमारी धरती के ऊपर जिसको जिंदगी मिली है तो उसको सो असेंडेंट है वही रूल करेगा। इसके अंदर आपका जो है कि आगे जाकर बताऊंगा कि मतलब साइन कोई भी हो सकता है, फिलहाल भाव के बारे में बता रहा हूँ। तो पहला घर है, जब भी हमने कहीं पर भी लिखा होता है, किसी किताब में आप देखते हो या कहीं पढ़ा रहा है आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर हम भाव का जिक्र कर रहे हैं तो वो ये है, अगर हम घर बोल रहे हैं वो तब भी ये है, ठीक है। तो इसको हम लग्नेश भी बोल देते, कई बार हम बोलते कि लगन भाव के अंदर, तो लगन भाव जो है हमारा यही है पहला घर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा घर, सेकंड हाउस, तो इसको हम सेकंड हाउस बोलते हैं, दूसरा घर बोलते हैं। कोई लोग धनेश बोलते हैं, धनेश इसलिए बोलते हैं कि ये जो सेकंड हाउस है हमारा, ये हमारे धन भाव है, ये हमारा धन भाव है। तो इसलिए हम उसको, कुछ लोग जो है जब बोलचाल की भाषा में हम जब बोलते हैं ना, जब आपका धनेश धन भाव, तो धन भाव जब भी आएगा, और धनेश जो है इसका मालिक होगा वो बाद में बताऊंगा, पहले ये ध्यान रखना कि ये धन का भाव है हमारा और हमारे कुटुंब का है, धन का और कुटुंब। और ये हम हो गए सेल्फ, स्वयं, तो ये हमारे कुटुंब का भाव है जो कि हमारा परिवार है। जैसे कि हम पैदा हुए तो जो हमारे चाचा हैं, जो कि हमारे ताया लगे, या हमारे जो कि भाई लगे, चचेरे भाई हैं, या अपने सगे भाई हैं, मतलब चचेरे भाइयों को ज्यादा, तो पूरा का पूरा जो हमारे जो दादा परदादा जो मतलब जो संयुक्त परिवार जो हमारे पिताजी का पूरा परिवार है, वो इससे इसी से देखा जाएगा हमारा कि वो हमारा छोटा होगा या हमारा बड़ा है। हम कुंडली देख के किसी की हम ये बता सकते हैं कि तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है या तुम्हारा परिवार छोटा है, पर इसी से हम धन को भी बता सकते हैं, ये धन भाव भी है कि जिसकी ये जन्म पत्रिका उसके पास धन कितना होगा उस टाइम जुड़ा होगा। मतलब मान लीजिए कोई पत्रिका लेके आता तो अगर वो बोलता यार मैंने आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर घर आपको बता रहे हैं कि धन भाव के कि इसका बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से देखोगे धन भाव की जब भी बात आएगी, पैसे की तब भी बात आएगी, बैंक की बैंक बैलेंस की तब भी बात आएगी, तो इसी की बात आएगी। जब कुटुंब की बात बोलेंगे हम, कुटुंब बोलेंगे किसी को, तो इसे कुटुंब भाव भी बोल देते हैं कई जन बातचीत में, कुटुंब भाव हुआ, धन भाव हुआ, तो वो इसी को बोलेंगे। और धनेश बोलेंगे, धनेश धन के आगे लगा दिया, धनेश जो इसका जो मालिक होगा वो धनेश हो जाएगा, ये धन भाव हो गया। तो ये हो गया हमारा, जिससे हमारे को धन पता चले कुटुंब वाले।
बाकी और चीजें भी हैं, जैसे कि हमारे खाने की आदत, ये खाने की तो बाद में जैसे जैसे बढ़ेंगे तब बताएंगे। मेनली तुम्हें जो दिमाग में लास्ट तक जो तुम्हारे काम आने वाला है आगे तक, वो यही काम आने वाला कि भाई इस चीज से हम धन देखते हैं और कुटुंब देखते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा भाव बोल देते हैं, जो तीसरा भाव है हमारा वो हमारे भाइयों का है मेनली, जो हमारे जो लिविंग बींग्स के अंदर जो है वो हमारे भाइयों का है, हमारे सिबलिंग्स। तो जो हमारे भाई हैं वो हम इस भाव से देखेंगे, इससे पराक्रम देखा जाता है हमारा, पराक्रम मतलब हमारे जो कैरेज है, हमारे जो लड़ने की शक्ति है अंदर किसी भी चीज, हमारे लड़ाई है तो वहां पर हमारे जो अंदर की जो शक्ति होगी, जो हमारा कैरेज होगा, जो यहाँ बीमार है तो उसे बाहर निकलने के लिए हमारा हमारे पास कितने पराक्रम है हमारे अंदर, वो चीज इसके अंदर कैरेज जो इंग्लिश में बोला जाता है कि वो चीज पराक्रम भाव बोल, इसको कई लोग पराक्रम भाव भी बोल देते हैं। मेनली जो इनके नाम है दूसरे, तो वो पराक्रम भाव के नाम से ज्यादा तृतीय भी बोलेंगे, पराक्रम भाव भी बोलेंगे। तो ये किसी भी तरीके से जैसे कहीं स्पीच के अंदर मैं बोलूंगा पराक्रम भाव, तो पराक्रम भाव ये होगा। अगर मैं बोलूंगा भाइयों का भाव, छोटे छोटे भाई बहनों का भाव, तो भी छोटे भाई बहनों का भाव ये है। बाकी इससे हम जो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि हम बातचीत करते हैं किसी से, वो चीज भी हम इसी से देखेंगे। अपनी छोटी यात्राएं, जैसे मान लीजिए कि कोई यात्रा जो करता है, छोटी मोटी यात्रा करता है, तो किस चीज की करता है, रोज करता है या नहीं करता है, घर से काम कर रहा है। अगर वो रोज अब काम धंधे पे जाता है तो ये घर उसका एक्टिव रहेगा, क्योंकि वो अपने घर से रोज डेली जो है कि छोटी यात्राओं पे जा रहा है। छोटी यात्रा मतलब ये नहीं कि अपने यहाँ से दुकान को सामान लेने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं मार्केट तक जा रहे हैं, ये यात्रा वो होगी जो हमें काम धंधे के लिए जब जा रहे हैं, हम डेली काम धंधे के लिए जा रहे हैं या वैसे घूमने जा रहे हैं छोटी यात्रा पे, मतलब मान लो यहाँ से बगल वाले स्टेट में चले गए या अपने ही स्टेट के अंदर थोड़ी दूर तक चले गए किसी काम से, तो छोटी यात्रा इससे गिनी जाएंगी। हाँ वही करते हैं, बस से जाओ ट्रेन से जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी यात्रा मीन जहाँ पर आप सुबह जाके दो चार घंटे में वापिस आ गए या शाम तक वापिस आ गए, तो छोटी यात्रा में गिनती होगी कि हम सुबह गए शाम को हमारे हमारी वापसी अपने घर पे हो गई, हम रात को अपने घर पे टाइम बिता रहे हैं अपने भाइयों के साथ, भाइयों का घर है तो ये वहां पर उसके लिए का बिजनेस के अंदर एक ट्रेडिंग का घर है। मीटिंग्स करते हैं हम, जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं वो, और जो हम ट्रेडिंग का काम करते हैं वो सब इसी से है। वो जब बिजनेस वाला पार्ट आएगा तब सिखाऊंगा, फिलहाल आपको ये ध्यान रखना कि ये भाई है और हमारी छोटी यात्राएं हैं, तो छोटी यात्रा हम यहीं से देखेंगे, पराक्रम यहीं से देखेंगे हम। यात्राएं हुई, इसके बाद आ गया चौथा घर। चौथा घर हमारा जो सुख का है, जो हमें सुख मिलना है जिंदगी के अंदर, या हमें दुख रहना है, दुखी रहना सारी जिंदगी, या हमें कुछ जिंदगी सुखी रहना है, वो हमें यहां से मिलेगा। यहां से इसका इस घर को जब भी कोई पूछता कि भाई साहब आता आपके पास, तो आपको इस घर से मालूम चल जाएगी वो सुखी है या दुखी है, कैसा बंदा, उसके बताने से पहले आपको मालूम चल जाना चाहिए इस घर को देखने के बाद। इसके अंदर जो है कि आपका माता का घर है, माता के बारे में जितनी भी जानकारियां होंगी, जैसे कि मान लो कि मेरी कुंडली है तो मेरी मम्मी या मेरे माँ मदर जो है उनके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए आपको, वो यहीं से मालूम चलेगी आपको चौथे घर से। फिर हमारा जो है कि इसी घर से हमें जो है कि ये मालूम चलेगा कि हमारे पास गाड़ी कार घोड़ा कितने व्हीकल्स क्या क्या है, व्हीकल्स भी इसी से मालूम चलेंगे। हाँ जी हमारा सुख के अंदर ही आता है, तो ये इसके कारक बाद में बताऊंगा किस कौन सा कारक किस तरीके से देखने, लेकिन मतलब कि घर को याद रखना है इसको। जब चौथा घर आपकी बात आती है, इसको चतुरेश भी बोलते हैं, सुकेश भी बोलते हैं, क्योंकि मेनली जो नाम मेन पड़ा होता है ना इनका, वो मेन उस चीज से पड़ा होता है जिसको मेनली हमें देखना होता है। जैसे इसको हम लग्नेश बोलते हैं, लग्नेश मीन्स हम हो गए, तो स्पेशली हमें अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी शक्ल कैसी है या हमारा कद कैसा है, वो बात की बातें हैं, तो पहले तो हम ही है ना, तो वो हम है तो वो लग्नेश हो गया हमारा हो गया। उसी के चक्कर में जैसे हम दूसरे घर को देखते हैं तो इसका मेन नाम पड़ा हुआ धनेश। जब आपके पास कोई बंदा आएगा वो अपने परिवार के बारे में जानने के लिए नहीं आएगा, ज्यादातर बंदे आपके पास आएंगे तो अपने धन के चक्कर में आएंगे, तो इसका नाम मेन धनेश पड़ गया।
ये प्राथमिक से भाई बहनों के बारे में कोई पूछने नहीं आता। वो भाई बहनों को हम देखते हैं जो कोई बोलता कि हमारा भी जमीन का झगड़ा चल रहा है या हमारा कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो हम देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही, तो कोई हो सकता है भाइयों से चल रही हो, तो तब हम देखेंगे इसको भाइयों के उसमें भाई सुखी है नहीं है, वो जो मैटर अलग है। वो जो बंदा आपके पास आ रहा है वो भाई के बारे में कभी नहीं पूछेगा, वो मेनली आपसे यह पूछेगा कि भाई मैं जो है डिप्रेशन में जा रहा हूँ, या मेरा जो है ट्रेडिंग का काम बढ़िया नहीं चल रहा, या ना जब मैंने ट्रैवल से काम खोला हुआ है उसमें मेरे को नुकसान हो रहा है। तो जो ट्रैवलिंग से ये छोटी यात्रा मतलब ट्रैवलिंग का भी है, ट्रैवल बिजनेस भी इससे जुड़ के आएगा। तो इस तरीके से भाई बहनों के बारे में है, तो इसको हम पराक्रम ये बोलते हैं मेनली कि हमारा जो पराक्रम कैसा रहेगा। अगर ये हमारा जो घर बिगड़ जाता है तो हम जल्दी से घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं किसी भी सिचुएशन जो टफ सिचुएशन आ गई हमारी लाइफ के अंदर, हम एकदम से घबरा जाएंगे कि हम ना करो। तो उसको जो है कि अगर जिसका ये बढ़िया होता है जैसे खिलाड़ी भी है कोई, तो वो खिलाड़ी जो है हाई लेवल पे तभी पहुंचेगा जब उसके अंदर जीतने की जो इच्छा शक्ति होगी, इसको हम इच्छा शक्ति बोल सकते हैं, जो इच्छा शक्ति भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर पराक्रम हो तो इच्छा शक्ति भी उसकी ज्यादा होगी। जो आखिरी वक्त तक देखा होता है जो खिलाड़ी होते हैं आखिरी वक्त तक हार नहीं मानते, लड़ते रहते हैं, जबकि देखने वाले ये सोचते हैं कि मैं हार चुके, और कई बार पलटते भी देखा भाजी, तो पलटती तभी है कि जो जो जोन से खिलाड़ी उनमें दोनों तरफ में से जो सा ज्यादा पराक्रम दिखाएंगे या जिनके अंदर ज्यादा हिम्मत है उस टाइम पर, जो टफ सिचुएशन है वहां पर जो बड़ी टीमें जब लड़ती हैं तो उसमें दोनों बराबर की होती है, लेकिन उस दिन जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें जोन सी ज्यादा अच्छे तरीके से उसको हैंडल करती है, तो उसको टफ सिचुएशन को अपने पराक्रम से हरा देती है, वही जीतती है। तो वो की जो पराक्रम है वो यहां से आता है हमारा। तो अच्छे खिलाड़ी अगर किसी को बनना है तो ये घर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पराक्रम नहीं होगा तो कुछ नहीं, और पराक्रम नहीं होता कि जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। बंदा घर पर पड़ा रहेगा जो काम करने नहीं जा रहा है, तो उसके लिए भी प्रोग्राम चाहिए, हिलना तो पड़ेगा, उसे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, हमारे एफर्ट ताकि एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, हमें एफर्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी तरीके से फिर हमारा जो पांचवा घर है जो हमारे बच्चों का है, ये बच्चों का घर हो गया हमारा, हमारी एजुकेशन का, पढ़ाई का, हमारे पढ़ाई का हो गया वो, और हमारी क्रिएटिविटी का है, ठीक है। तो ये जो है इससे हम अपने जो अपनी पढ़ाई जिसका ये कुंडली होगी जिसका जो उसकी पढ़ाई के बारे में अगर आपको जानना है कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है तो ये घर हमें बताएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा शादीशुदा बंदा आता है वो पूछता कि जी भाई मेरे को प्रॉब्लम है, अगर आपने उससे पूछने से पहले ही पता करना है अगर, तो इस घर पर ज्यादा पाप प्रभाव है तो यानी कि उनको उसके बच्चों से प्रॉब्लम है, या तो बच्चे हैं है तो मतलब कि वो उनका कहना नहीं मानता या नालायक निकल गए हैं, तो कुछ भी है वो अपने योग वगैरह के हिसाब से समझ में आएगा। तो फिलहाल ये याद रखना है कि भाई हमारा उसका हमारे शेयर बाजार का भी ये है, जैसे कहीं पर ऐसी जगह पे पैसा लगाना जहां से हमको झटके में पैसे ज्यादा मिले, एकदम बढ़ के मिले, जैसे शेयर बाजार हो गया, हमारी लॉटरी हो गई, हमारा सट्टा हो गया, तो उनका भी घर ये है, ये हमारे इंटरटेनमेंट का घर भी है। जैसे कि किसी को फिल्म देखने का शौक ज्यादा होता है, किसी को खेलने का शौक ज्यादा होता है, किसी को फिल्म देखने का, कोई फिल्म एक्टिंग करने का है, तो ये हमारे शौक का घर भी है और वो ये भी हमारा इंटरेस्ट का घर है तीसरे नंबर वाला। लेकिन ये जो वैसे शौक है जैसे खेल कूद के बारे में अगर पाठ्यक्रम है तो वो तो चाहिए चाहिएगा उन चीजों में, लेकिन जिसमें हाथ से काम होता है एफर्ट हाथ से लगाने पड़ते हैं तो वो शौक यहाँ से पूरे होंगे। और जो हमारे को वैसे है शौक है कुछ क्रिएट करने का, माइंड ज्यादा लगाते हैं जिसमें, क्योंकि ये हमारे दिमाग का घर भी है, क्योंकि दिमाग का घर है तभी तो हम पढ़ेंगे, दिमाग अच्छा होगा तो इस घर से ही मालूम चलेगा कि बंदा जो है कि दिमाग वाला है या मतलब कि नालायक है, या उसका जो दिमाग वाला तो है लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि कई बच्चा मैं देखोगे दिमाग तो बहुत है लेकिन पढ़ाई में नहीं करते, तो उसका भी तो रीजन ढूंढना पड़ेगा। तो वो सब यहाँ से मालूम चलेगा हमें कि भाई इसमें हाँ मतलब कि पढ़ाई वो नहीं, वहां दिमाग नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि क्रिएटिविटी में चल रहा हो, किसी और फील्ड में चल रहा हो, तो मतलब कि माँ बाप दबाव डाल रहे हैं नहीं पढ़ ये कर, लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो ज्योतिषी का जो काम होता है वो यही होता है, तो कुंडली देखने के बाद कि भाई जिस जो काम उसका हो रहा है जहां गलत हो रहा है तो उसको सही कैसे कर सकते हैं, उसको मतलब क्या चीज चेंज करें उसके अंदर जो कि वो सही रास्ते पे आ जाए, और जो ग्रह उससे चाहते हैं, जो कुंडली उससे चाहती है, जो उसको ऊपर वाले ने जो बना के दिया है एक स्नैपशॉट खींच के देता है ऊपर वाला जो पैदा होता है बंदा, तो वो जहां पर भी तो उसके हिसाब से कैसे चलना है, तो वो जो है कि ये अपना पांचवा घर बताएगा।
इसके बाद आ गया हमारा जो छठा भाव है, ये हमारा जो है रोग ऋण और जो है कि शत्रु, ये मतलब कि त्रिक भाव में आता है हमारा। त्रिक भाव मतलब जो है कि बुरे भाव बोले गए हैं हमारे। त्रिक भाव बोला जाता है खाली, त्रिक का मतलब खाली होता है, तो वैसे ये खाली भाव बोला गया। लेकिन जो है इसका बहुत अहमियत है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि यही भाव है जिसके अंदर हमारे को जो है कि सर्विस का भाव भी है। जैसे किसी ने सरकारी नौकरी लगनी है या कहीं ऐसी जगह जॉब पर, ऊंची जॉब पर लगनी है, लेकिन जो डेली मेहनत करनी है आपको, उसका भाव भी यही है। तो ये इसलिए मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा जो है कि जिसको कह सकते हो आपकी भाई जरूरी भी है। मतलब हमारी परेशानियां सारी यहां से आनी है, हमें उस परेशानियों से लड़ना भी है, उसमें विजय पाकर हमें जो काम करना, क्योंकि हम मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सब सोचते हैं कि हम घर पर बैठते हैं, पैसे हमें आराम से मिलते हैं, लेकिन उनके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, जो हमारे को जो मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेहनत का घर है। तो ये मेहनत करेंगे, हमारे को रोग हो गया तो उसके लिए भी हम मतलब मेहनत करना मीन्स जैसे कि जाएंगे आएंगे उसको इलाज कराना सोचेंगे, तो वो चीज है हमारा कर्जा लेना पड़ेगा उसको उतारने की सोचेंगे, उसके लिए एफर्ट करेंगे, ज्यादा कमाएं उसको वो हमारा उतर जाए। इसी तरीके से हमारा सर्विस है, अगर हमें सर्विस अच्छी चाहिए तो वहां पर डेली जाएंगे, डेली काम करेंगे, घर पे आ जाएंगे तो सर्विस छूट जाएगी। तो वो सर्विस का जो है घर भी यही है, हम जो किसी की सर्विस देखेंगे, रोग देखेंगे, उस पर ऋण देखेंगे या उसके शत्रु यहां देखेंगे, तो वो सब यहां से ही देखेंगे हम कि भाई ये चीज क्या है, क्या परेशानी है इसको। तो इसलिए ये घर जो है बहुत ही अहम हो जाता है, जो 6 नंबर है ये जो है कि हमारे घर। इसके बाद आता हमारा 7वां, 7वां जो है कि हमारे जीवन साथी का है। जीवन साथी प्लस जो है कि हमारे बिजनेस पार्टनर भी है, लाइफ पार्टनर के साथ में जो है कि हमारे जो बिजनेस पार्टनर है वो भी हम यहीं से देखेंगे। तो भाई वो जो चीजें हैं वो जो है ना कि हमें मतलब कि वो हमें जीवन साथी मिलेगा कैसा, उसके साथ हमारी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसका रंग रूप कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा। जैसे हम इससे जो ये जानते हैं कि हम कैसे होंगे, कि हम हैं, तो ये हमारा जो बिल्कुल सामने वाला कह रहा है कि हमारा जीवन साथी का है, कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, उससे हमारी कैसी मिलेगी, वो सारी चीज हम इससे देखेंगे। तो ये जो चीज है हमारी जो इसको ध्यान रखना है कि जब भी सप्तमेश बोलते हैं इसको, क्योंकि 7वां घर है सप्तमेश, तो इस तरीके से जो इनके घर के नाम वैसे भी दिए जाते हैं, ये है छठा था तो रोगेश भी बोल देते हैं इसको, रोग भाव भी बोल देते हैं, ऋण भाव भी बोल देते हैं, तो वो रोग और ऋण दोनों इसी में ही आते हैं। शत्रु भाव बोल दिया तो भी इसी में से आते हैं, ठीक है। तो ये मेनली है, तो इनको बोला जाता है ऐसे इसको सप्तमेश बोल देते हैं, क्योंकि 7वें नंबर पर आता है, यहाँ से सप्तमेश हो गया, तो इसको जो सप्तमेश का भाव है। यहां पर एक और चीज मैं बताना भूल गया, जो हमारे प्यार मोहब्बत का भाव है, प्यार का भाव भी यही है। तो हमारा जो अगर हमें किसी से प्यार होता है तो वो प्यार हमारा चलेगा नहीं चलेगा, कैसे बंदे से हुआ, वो सब भी हम इसी से मालूम चलेगा, उसका रंग रूप कैसा हुआ, उसका व्यवहार कैसा हुआ, वो हमारे से निभ पाएगी उसकी नहीं निभ पाएगी, तो वो हमारा ये है। और शादी का हमारा ये, अगर शादी के जीवन साथी को देखना तो यहां से देखेंगे हम, बिजनेस पार्टनर को देखना तो हमें यहां से ही देखना है। उसके बाद हमारा आता है अष्टम भाव, अष्टम भाव भी जो है हमारा जो है कि लंबी बीमारियों का है। लंबी बीमारी मतलब बीमारी यहां से भी थी लेकिन यहां से लंबी बीमारी है, ये बीमारी ऐसी है जिनका इलाज जल्दी से संभव है, और ये बीमारियां ऐसी होती है जो बहुत लंबी चलने वाली बीमारियां होती है, उसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। जैसे हमारी सर्जरी का भाव यही है, जहां ऑपरेशन की बात आ गई तो इस भाव का एक्टिव होना या इस भाव का इन्वॉल्वमेंट वहां पर बहुत जरूरी है, ये हमारी सर्जरी का भाव भी है। और ये हमारी जो है कि जिंदगी का भाव भी है, हमारी मौत का भाव, हमारी जो मौत है, हमारी लंबी उम्र कितनी रहेगी, हमारी उम्र कितनी होगी, उम्र का भाव भी हमारा यही है। इसके अलावा जो है यही भाव जो है हमारा जो है कि हमारा इनहेरिटेंस का भी है, वसीयत का भी है, अचानक से जो धन मिलता है LIC से जो मिलता है, बोनस के तौर पे हमारी कंपनी से मिल गया, जो अनअर्न मनी है जो हमने कमाया नहीं, जो हमने एफर्ट लगा के मेहनत लगा के नहीं कमाया, हमें बैठे बिठाए घर में मिल गया, वो है 8वां घर।
और आठवें घर जो है कि हमारे हिडन सीक्रेट जितने भी होते हैं ना, छुपी हुई चीजें, हिडन चीजें जो भी है वो ये है, छुपी हुई चीजें जो 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 मतलब कि रिसर्च वर्कर्स के अंदर होते हैं, जो माइंस में काम करते हैं, जो जमीन के अंदर काम करते हैं, तो वो चीजें जो सारी जमीन की नीचे की चीजें जो गर्भ के अंदर है, जो कोई भारत नहीं मालूम कर सकता, वो सारी चीजें यहीं से मिलेगी। जैसे कोई रॉ में काम कर रहा है या सीबीआई में काम कर रहा है, जो भारत लोगों को बता ही नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो सीक्रेट जॉब कर रहे होते हैं अपने, तो वो सारी चीजें यहाँ से आएंगी। सर्जन जो है जो सर्जरी करते हैं, डॉक्टर वगैरह जो, उनके बारे में देखेंगे हम, तो ये भाव जो एक्टिव रहेगा। तो ये आठवां भाव है जो हमारा सर्जरी का है, हमारी लंबी बीमारी का है, हमारी उम्र का है, और जो कि हमारे इनहेरिटेंस का है। तो इन्हें इसके बाद आता है हमारा जो ये नाइन्थ हाउस है, ये हमारे फादर का है। फादर में कई लोग माता से सातवां फादर का मानते रहते हैं, हमारा से सातवां हमारे जीवन साथी का है, तो माता से सातवां मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फादर है, हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, इसके बैग में नहीं पढ़ना चाहता, यहाँ हम ले सकते हैं, लेकिन ये जो फादर हम जिसको मान रहे हैं, वो उसको मान रहे हैं जो हमें कुछ प्रोवाइड कर रहा है जो जिंदगी आगे बढ़ने के लिए। ये वो घर हमारे धर्म का घर, हमारे डीएनए का घर है, हमें धर्म जो मिलता है हमारे उसको सरनेम मिलता है, वो हमें इस घर से मिलता है, तो इसीलिए वो फादर को इस घर से ले रहे हैं। लेकिन जब माता के जीवन साथी के बारे में देखेंगे तो हम ये घर लेंगे, उनकी लाइफ के बारे में देखेंगे, ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे डीएनए का घर है। वैसे जो है जो हमें कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिंदगी मिली है हमें, वो तो यही है हमारा जो सरनेम मिला है। जैसे कोई कौशिक है, कोई सिंह है, कोई सबरवाल है, कोई जो भी सरनेम मिलते हैं तो वो यहीं से मिलते हैं हमें, क्योंकि हमारा धर्म का है, जो हम धर्म से हैं, जाति से हैं, जिससे भी हैं, तो वो सरनेम हमारे पीछे जुड़ जाता है, तो वही हमारे पिताजी होते हैं। पिताजी हमारे ये अदब में हमारे गुरु है, हमारे धर्म स्थान है ये, हमारी किस्मत का स्थान है ये, हमारे गुरु जी का है। हाँ, ये गुरु जी है हमारे, तो इसीलिए पिताजी को बोला गया कि हमारे पहला गुरु जो है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि हमारे पिताजी होते हैं, जो हमारे पहले गुरु हैं, जो हमें सबसे पहले कुछ सिखाते हैं, वो हमारे जिंदगी के अंदर जो हमारे जीवन के बारे में सिखाते हैं, वो चीजें हमारे गुरु जो है पहले पिताजी होते हैं। उसके बाद जब हम पढ़ने लायक हो जाते हैं तो फिर हमारे गुरु जी जो है गुरुकुल में पहले जाया करते थे, आजकल हम स्कूल जाते हैं तो टीचर हो गए। और ये हमारे धर्म का घर है, तो जिसका धर्म में मन लगता है, नहीं लगता है, कोई धर्म के प्रति कट्टर होता है, कोई धर्म के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो वो भी हम इसी से देखेंगे। तो ये हमारे धर्म का जो झंडा है वो यहीं से देखा जाता है, हमारा गोत्र क्या है, हमारे पिताजी क्या थे, हमें पिताजी के बारे में सारी जानकारी यहां से मिलेगी। अब ये हमारा आ जाती दसवां घर कर्म भाव है, ये प्रोफेशन। ये हमारे प्रोफेशन का भाव है, इससे हम देखेंगे कि बंदा प्रोफेशन क्या करेगा, और वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी या बगैर मेहनत से कुछ मिलेगा। ये कर्म भाव है, और कर्म भाव के अंदर हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा तभी कुछ ज्यादा फल मिल सकता है। तो 10 नंबर जो है हमारा जो 10th हाउस है, ये हमारे प्रोफेशन का है, हार्ड वर्क का है, उसके बाद जो है कि हमें कुछ मिल सकता है। तो ये हमारे कर्म भाव हो गया, इधर से हम जो है कि, और फिर ये हमारी होगी अर्निंग लाभ भाव। हमने हार्डवर्क किया, मेहनत की, तो हमें उसका फल कितना मिलेगा, हमें जो पैसे कई होगी तो आपने देखा होगा कि जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी भर वो काम ही काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम होती है, और उसकी वजह ये होती है कि ये भाव तो बहुत ज्यादा उनका स्ट्रांग होता है, मेहनत करने से वो नहीं डरते, मेहनत दबा के करते हैं, लेकिन ये भाव कमजोर होता है। ये कमजोर होने से मतलब क्या होता है कि जो काम तो बहुत ज्यादा मेहनत करके कर रहे हैं, लेकिन उनको जो उतनी तनख्वाह नहीं मिल रही या उधर पैसे नहीं मिल पाते जितना वो काम कर रहे होते हैं, तो वो जो है कि यहाँ से देखेंगे हम। और कई जने ऐसे भी देखेंगे जो राजनेता में पहुंच, राजनीति में पहुंच जाते हैं, या कोई आईपीएस ऑफिसर बने, काम बहुत कम करना पड़ रहा है, सिर्फ पैन चलाना है, और उसके बाद मालूम चल रहा है कि वो लाखों में तनख्वाह उठा रहे हैं, और एक बंदा सुबह शाम तक तसले ढो रहा है, शाम को मालूम चला 300 रुपये मिले उसे। तो ये फर्क जो है इसमें कर्म भाव के अंदर, क्योंकि मेहनत तो ज्यादा वो कर रहा है लेकिन पैसे दूसरा कमा रहा है। तो इस भाव का महत्व हमारे जो कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा है अर्निंग के बारे में। तो ये दो घर जो है, जब भी कोई पैसे के लिए आएगा आपके पास, तो ये दो घर देखने बहुत जरूरी है। ये आपको बताएंगे पैसा कमा कितने रहे हो
और ये बता देंगे कि आपके बैंक में कितना जा रहा है और खर्च कितना कर रहे हो। जब खर्चे की बात आ गई तो ये हमारा खर्चा है, बारह भाव, ये हर चीज का खर्चा है, यहां हर चीज का लॉस होता है जाके। अगर आपको जो है कि सातवें घर का यहाँ पर लॉस हो गया तो जीवन साथी जो से हम जो ये हमारे जो है संयम सुख बोलते हैं इसको, हम इस वाले घर को जो सोने का सुख है हमें गृह जीवन के अंदर, तो वो नहीं मिलेगा। हम दिखाने को पति पत्नी हो सकते हैं लेकिन हमें वो सुख नहीं मिलेगा, सहन सुख हमें हो सकता है कि जैसे विदेश यात्रा का भी घर है। पुराने टाइम में जो है कि विदेश यात्रा को जो है कि शाप बोला गया था कि जिसको विदेश जाना पड़ता था कमाने के लिए तो बोलते थे कि इसको खाने को कुछ नहीं है, इसलिए बेचारे को विदेश जाना पड़ रहा, अपने गांव से बाहर जाना पड़ रहा कमाने के लिए। आजकल लोग खुश हो जाते हैं कि हमें विदेश जाना है। तो ये जो है कि हमें काल पात्र और जो है कि समय देख कर भी बात करनी है, जिस टाइम जैसा टाइम चल रहा हो। जैसे अगर आज मैं किसी को बोलूंगा तेरे जो तो भैया योग बहुत खराब है, तेरे को तो देश से बाहर जाना पड़ेगा तेरे को तो, लेकिन पहले लोगों को क्या था, जिसको काला पानी मिलता था उन्हीं को में होता था ये योग, तो वो घबरा जाते थे कि हमारे बेटे को जो वहां जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। आज जो है कि जो बंदा बाहर जाके राजी होता है, वहां पर अपना कमाएगा, वहीं पर खुद तो कहते हैं वहीं सेटल हो जाए, ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो कि जो बारह भाव से हमें मतलब देखते क्या क्या है, तो इनको हम भाव बोलते हैं। इसके अंदर जो है कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, नंबर मान लो सात की जगह आठ भी हो सकता है, नौ भी हो सकता है, यहाँ एक की जगह पांच हो सकता है, तो वो नंबर हमें कुछ नहीं देखने हैं। हमें ये सिर्फ ये याद रखना है कि ये नंबर में डालो यहां तक जितने भी लिखे हुए हैं, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखे थे आपके लिए कि भाई आपको ये याद रहे कि ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो अगर आप गिनती भी कर लोगे ऐसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो बारह भाव हो गए। अब इनसे हमें क्या क्या देखना है, इसमें नंबर भूल जाओ तो वो आपको मालूम चल गया कि हमें इस भाव से ये देखना है। इसको कहते हैं अपने मन में बिठा के रखना है, ये तो मतलब कि किसी की कुंडली आ जाए, किसी की जिंदगी में जो भी होना वो इन्हीं घरों से होना है। एक बार वो वाला बता दो, कुटुंब वाला। ये कुटुंब वाला ये हो गया अपना, इसके अंदर जैसे आपके धन है तो वो धन जो आप कमा रहे हो जितना आप जोड़ सकते हो, जैसे बैंक के अंदर जो आपका धन आ रहा है आपके पास, तो वो उसकी कैपेसिटी है कि बताया कि वो आप कितना धन कमा सकते हो, तो वो हमारे जो इससे मालूम चलेगा। और इसके अंदर ही जो हमारे परिवार का मालूम चलेगा कि हमारा कुटुंब जैसे परिवार कितना जुड़ा हुआ है, संयुक्त परिवार, वो भी जोड़ा हुआ चीज है हमारी। जितना लंबा जोड़ा परिवार होगा संयुक्त परिवार गिना जाएगा, और जैसे कि मान लो धन ज्यादा होगा तो वो धन के लिए देखा जाएगा, तो ये दोनों चीज देखा जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज और है जो मतलब थोड़ी आगे की बात है वैसे, तो इसको बाद में देखते हैं, ये ध्यान रखना ठीक है। तो इसके अंदर अगर मान लो, चलो आप एक और बात बता देता हूँ, अगर इसके अंदर मान लो कि आपको पिताजी देते तो हम आम हो गए, पिताजी का धन देखना तो कहां से देखोगे, सोचने वाली बात तो ये भी है ना कि भैया आपका धन मेरा धन तो ये हो गया, मेरा कुटुंब ये हो गया, लेकिन मैंने बोला कि ये माता का है, ये हमारे जो जीवन साथी का है, ये हमारे पिताजी का है, तो अगर हमें उनके बारे में देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। तो ये भी आज लगे आप देख ही लेते हैं इसी में कैसे देखना है आपने। जैसे कि मान लो कि आपके जो कि अभी हम यहां से शुरू करते हैं माता जी से, ये हमारे माता जी का घर हो गया, तो यहां पर माता जी को दिखा रहे देते हैं, ये हो गया माता जी का घर हो गया। तो इसके अंदर जो है ना आप इनको हटा दो, ये भी हटा दो, चलो बाद में जाते रहेंगे उसको। अब जैसे कि अब आपको माता जी के बारे में जानना है तो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना कि ये घर, इसको एक तरीके से ले लो कि ये अब लगन बन गया है, ये हमारा लगन था पहला नंबर। जब अपने माता जी के बारे में जानना है तो अपने दिमाग में एकदम से बिठा लो, या इसको जो आप कुंडली को यहां ले आओ, इस वाले घर को घुमा के यहां ले आओ, अलग से कुंडली बना लो, जैसे उसमें जो आपके यहां पर जो चीज लिखी है उसको ऊपर कर दो, लगन में आ गया। हाँ समझ आ गया कि मतलब जैसे मान लो कि हमने माता के लिए लेना, तो उसके बाद कैसे देखना है। अब जैसे मान लो कि आपका लगन बन गया, लगन हो गया ये, तो अब हमने यहां से देखा था अपना, क्या देखा था अपने अपना और फैमिली, तो अब यहां से ये दूसरा घर हो गया, तो यहां से हम क्या देखेंगे, माता का धन,
और फैमिली। ऊपर वाला होगा ना वो तो, ऊपर वाला मतलब जो माता से ऊपर भाई वाला वो होगा ना, वो भाई तो इसको अलग छोड़ दो ना, जैसे मतलब ये आपकी माता जी होगी, ये माता जी अब यहाँ आ गई, ये हम तक फर्स्ट ये था हाउस, तो ये सेकंड हुआ, सेकंड हाउस हुआ ना वो, तो अब यहाँ पर अगर ये फर्स्ट है तो ये हमारा सेकंड हो गया। तो उसी तरीके से तो ये जो हमारा जो है कि माता का धन बताएगा, माता की फैमिली के बारे में बताएगा। अब हमारा यहाँ पर एक दो तीन ये हमारे भाइयों का था, तो ये माता के भाइयों का है, यानी कि हमारे मामा जी का, ठीक है, माता के भाई, ये माता की फैमिली है जो हमारे नाना वगैरह, और ये माता के भाई हैं। तो अगर हमें माता के भाई के बारे में जानना है तो यहां से मालूम चलेगा, जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई रोग आएगा, नोट कर लेना, जिसकी कुंडली आप देख रहे हो, अगर उसका ये घर खराब है, उसकी नौकरी में परेशानी आ रही है, जो डेली वो नौकरी करता है वहां परेशानी आ रही है, जब वो बीमार पड़ रहा है, या उसका शत्रुओं से कोई झगड़ा हो चल रहा है, जब भी ये चीज चलेगी तो उसी टाइम आपके जो है मामा जी को भी परेशानियां आ रही होंगी, क्योंकि ये मामा का घर है, आपका रोग है, जब आपको परेशानियां आ रही होंगी तो आपके मामा को भी तो कुछ परेशानियां आ रही होंगी ट्रेवलिंग के अंदर, क्योंकि जो इस घर से जो आगे की बात है, जब दशा महादशा में चलेंगे, जब दशा इस घर की चल रही होगी तो जब वो तुम पे इफेक्ट डालेगी, तुम्हें बीमार करेगी, तो वो जो है कि तुम्हारे जो मामा जी हैं उनको भी तो घर से बाहर लेके जाएगी ना, तो मामा जी का तो ट्रेवलिंग का, जैसे मतलब माता जी का ट्रेवलिंग का हो गया, माँ तुम्हारे वहां पहुंचना पड़ेगा, उनके घर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी माँ को वहां ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, वहां भी कोई प्रॉब्लम आएगी, उनके भाइयों के साथ आ गई, जैसे आप तो भाइयों में कोई झगड़ा वगैरह होगा, भाइयों का घर है, मतलब वैसे अपने हिसाब से देखो तो वो जो छता वाला घर है वो उसका, और अगर माता के हिसाब से देखे तो वो भाई वाला हो जाएगा, वो मामा, तो उनको प्रॉब्लम आएगी, उनके भाई को हो जाएगा, मामा हो गए, ठीक है ना। अब इसी तरीके से पिताजी के लिए देखना है, पिताजी का घर ये हो गया, अब पिताजी से दूसरा घर, अगर फैमिली के बारे में देखना हो, पिताजी के कुटुंब के बारे में देखना हो, तो कहां से देखेंगे, आठवें घर में, उल्टा दसवां घर, इससे सेकंड जो ये आएगा ना ये कैसे चलेगा, अच्छा तो ये पिताजी का हो गया, तो पिताजी से आगे गई, ये पिताजी की फैमिली होगी, और पिताजी का धन, फैमिली होगी पिताजी की और पिताजी का धन भी यही हो गया। जब जब आपको प्रोफेशन में दिक्कत आएगी तब तक पिताजी के धन में भी दिक्कत आएगी, यानी कि आपका काम धंधा खराब हो रहा है, पिताजी का भी नुकसान हो रहा है धन के लिए, तब तो वहां पर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो ग्रह वहां पर जो है वो एक्टिव हो, वो खराब रिजल्ट दे रहा है, तो पिताजी को धन को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये पिताजी के जो है कि तीसरा घर हो गया, ये पिताजी के भाइयों का हो गया, भाइयों का हो गया, ये यानी कि हमारे चाचा हमारे ताऊ, चाचा हो गया, नहीं यहां पर जब लॉस नहीं हुआ, तीसरे घर पे आए हैं, जैसे अगर यहां पर हमारे पिताजी का पराक्रम है, ये पिताजी का पराक्रम है और हमारा जो है लाभ भाव है, अगर हमें पैसे नहीं कमा, मतलब ढंग से नहीं कमाए जा रहे, तो उनके साथ ही परेशानी आ रही होगी किसी भी तरीके की, जरूरी नहीं पैसे से लॉस आएंगे, उनके जो मतलब बीमारी हो सकती है वो उनका हिसाब से देखा जाएगा हमें पड़ने में, लेकिन परेशानी उनके साथ भी चल रही होगी किसी ना किसी वजह से, हाँ उनको वो परेशान होंगे, क्योंकि हम परेशान हो रहे पैसों के लिए, क्योंकि हमारे पैसे का है, लेकिन वो भी परेशान है ये पक्का है। अब वो उनकी कुंडली से मालूम चलेगा कितना, या उनके वहां से देखना पड़ेगा दूसरे ग्रह कहाँ देख रहे हैं, वो बात का मैटर है, जो खुल के बता कुंडली विश्लेषण करेंगे ना, तो उसमें सबको लेंगे, एक ही चार्ट में सारी चीजें बताएंगे, एक बंदे का चार्ट लिया उसमें तो उसके पिताजी से लेकर सब चीजों के बारे में एक ही चार्ट से बताएंगे, और पहले बगैर ग्रह के बताएंगे, तो पहले ये याद रखने वाली बात है, लेकिन यहाँ तक क्या क्या देखते हैं, तो इसमें याद करना क्या है, याद ये करना है कि जहां पर आपने अपनी चीज याद करनी है, कि भाई आपका ये हो गया, आपके कुटुंब का ये हो गया, आपके भाई का ये हो गया, आपके माता का ये हो गया, फिर ये आपकी पढ़ाई का हो गया, आपके प्यार मोहब्बत का हो गया, आपका ये बच्चों का हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, जो भी है जो आगे जो बता रखे सारे सिग्निफिकेंट सारे हो गए, यहाँ से रोग ऋण शत्रु अपना सर्विस, ठीक है, यहाँ पर अपने जीवन साथी अपना जो बिजनेस पार्टनर, ये हमारा वसीयत, ये हमारे पिताजी, ये हमारे गुप्त स्थान के जितने भी सर्जरी वगैरह जो है उम्र का स्थान है,
ये हमारा लंबी बीमारी राइट, ये हो गया हमारा जो कि प्रोफेशन का हो गया, ये हमारे जो है कि प्रॉफिट का हो गया, ये हमारे खर्चे का हो गया, विदेश यात्रा का हो गया। जब विदेश यात्रा के बारे में कोई पूछे कि भाई मैं विदेश जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, तो ये गर्व वो पे करेगा वहां पर। और ये क्योंकि हमारे घर का है, माता का भी है और हमारे घर का भी है, व्हीकल्स का भी है, और ये हमारे घर का भी है होम। हमारा घर बनेगा नहीं बनेगा वो भी इसलिए बताएगा घर। हमारे जो जहाँ हमारा जो होमलैंड बोलते हैं, जैसे हमारे गाँव के जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ से हम हैं बिलोंग करते हैं, तो होम विलेज भी ये बताएगा इतना हिस्सा ये होम विलेज है, होम टाउन वो। तो ये इस पे जब ज्यादा दिक्कतें होंगी तो हम ये छोड़ के भागेंगे विदेश, ये बाद का मैटर है, लेकिन ये इसलिए ध्यान में रखना है ये विदेश यात्रा का है, ये अपने घर का है। मतलब ये चीजें याद इसलिए रखनी है कि जो हम दशा अंतरदशा राशि वगैरह देखेंगे ना, क्या वो कोई सी भी है, चाहे आप मान लीजिए लाल किताब से देख रहे हैं, लाल किताब पे ज्योतिषी बनना है आपने, कोई केपी का ज्योतिषी बनता है, केपी में चलता है कि केपी भी चलती है, कृष्णमूर्ति पद्धति जो बोलते हैं इसको, एक नारी बोलते हैं, नारी ज्योतिष बोलते हैं, मतलब कोई भी ज्योतिषी है, मतलब अलग अलग राइटर नहीं है ये, मतलब है कि जैसे हमारे प्रासक ऋषि हुए थे, एक जैन ऋषि हुए, हाँ वो उसके बाद प्रासवा तब हुई, मतलब जो हमारी प्रासर ऋषि जो मैं सिखा रहा हूँ ये वैदिक शास्त्र है, ये हमारे प्रासरा ऋषि जो हुए थे तो उनकी देन है। और जो ये मदर ऑफ एवरी एस्ट्रोलॉजी ब्रांचेज जितनी भी हैं ये उनकी मदर है, इसी से पैदा हुई है जितनी भी शाखाएं हैं। किसी ने इसके जो है कि भाव को ले लिया, उससे एक अपनी बना दी, हाँ किसी ने अपने निशान को ले लिया, साइन को लेकर अपनी स्टडी कर दी, अलग किताब बना दी, अपनी अलग देखने का तरीका बना दिया। तो वो उस तरीके से तो सारा जो जो अपना मेन जो निचोड़ है ना सारा, हम माता जी को सीख लेंगे ना तो वो चीज अपने आप आसानी से आ जाएगी। तो मेन ये है, तो ये जो 10-12 घर हैं ये हरेक में चलेंगे, आगे बेशक चेंज हो जाएगा वो, देखने का तरीका और बदल जाए, कृष्णामूर्ति पत्ति में दूसरे तरीके से देखेंगे, किसी और को किसी और तरीके से देखेंगे, लेकिन देखेंगे इन घरों से ही, यानी भाई की बात जब भी आएगी किसी भी उसमें तो यही घर होगा, और जब लाभ कमाने की बात आएगी तो यही वही चलेगा, और जब सातवें भाव की बात आएगी तो सीधी सी बात होगी जीवन साथी हो गया। तो ये चीजें इसी से चलती हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो कि जो हम भाव किसको बोलते हैं, इसमें डाउट किसी को भी भाव समझ आएगी। तो अब इसके बाद हम लेते हैं साइन, आज दो सब्जेक्ट कर लेते हैं, इसमें जो है कि साइन है, जैसे एक नंबर लिखा वैसे जो 12 नंबर लिखे हैं अभी मैं वैसे लिख रहा हूँ, तो दूसरी जो है कुंडली जो बाद में बना के ना उसमें दिखा दूंगा किस तरीके से देखना है, पहले मैं साहब को साइन समझा दूँ। तो ये जो अब जो आ गया जो आपके जन्म पत्री में लिखा होता है, आपने देखा होगा जब भी जब जन्म पत्री देखते हो तो किसी के यहाँ पर 5 लिखा होता है, किसी का 6 लिखा होता है, किसी का 8 लिखा, किसी का 1 लिखा हुआ है, तो वो लिखा होता था उसका मतलब क्या होता है वो भी तो मालूम होना चाहिए ना जब आप जन्म पत्री देखते हो। तो ये हमारी होगी एक नंबर जहां लिखा होता वो होता मेष राशि, एरिस। एक नंबर जहां पर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको तो वहां पर मेष राशि है, वो एरिस साइन है। ऐसे ही 2 नंबर जो है वो हमारी टॉरस, जो हो गया वृषभ। 3 नंबर जो लिखा हुआ है वहां पर वो गेमिनी, मिथुन। 4 नंबर कर्क, ये हमारा कैंसर। 5 नंबर सिंह, ये लियो। 6 नंबर हमारी कन्या राशि वर्गो। 7 नंबर हमारा जो है कि तुला लिब्रा।
आठ नंबर स्कॉर्पियो, वृश्चिक और नौ नंबर हमारे धनु सैजिटेरियस। और जो कि दस नंबर हो गई हमारी मकर कैप्रिकॉन। इलेवन हो गई कुंभ, ये राशि आ गई हमारी एक्वेरियस, ये राशि हमारी मीन पाइसिस। तो ये जो हमारी जो है कि बारह राशियां हो, तो ये याद करने के लिए मैंने इसमें लिखी है, ऐसा अपना डायग्राम बना के उसमें लिख लीजिए कि भाई इससे आपको ये याद हो जाएगी छठे नंबर की राशि कौन सी, सातवें नंबर की राशि कौन सी है। तो मतलब उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी राशियां हमारी, जो भी नंबर है मान लीजिए कि किसी का आपका जो है कि यहां पर ये चार मान लिया मैंने, ये हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। अपना चार पता है तेरे को, ऊपर यहां पर क्या नंबर है नहीं मालूम, सिक्स नंबर है या आपका ये सिक्स हो गया, तो यहां से शुरू हो गया आपका सिक्स। तो जो आपका जो है कि अगर आपको देखना है कि ये सिक्स यहां लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, तो आपका जो लगन है, यहां मैंने क्या बताया था पहला नंबर कौन सा है, लगन, लगन है। तो आपको ये मालूम चल गया कि मेरा जो लगन है उसकी जो राशि है वो कन्या राशि है। इस जो नंबर लिखा होता उसका मतलब ये है कि वहां पर आपका भाव तो वो पहला है, पहला भाव है, लेकिन वहां पर राशि जो है वो कन्या राशि है, ठीक है। तो अभी जो निशान उतारा फिर बताऊंगा कि यहां पर ये कन्या राशि ही क्यों आई, अभी वो आगे का चैप्टर की बात है। फिलहाल ये देख लो कि जो भी आपके यहां पर भी लिखा हुआ है जैसे वो उसके हिसाब से चलेगा, जैसे कन्या यहां आ गई तो उससे आगे साथ ही आएगा, और ये चुनाव तक जाते जाते आते मतलब पूरा घूम के यहां पर जो है सिंह आएगा, क्योंकि यहां से घूम के वापिस वहीं पर आना, तो छह के सामने हमें तो बारह आएगा, जैसे यहां छह के सामने बारह तो वो वैसे के वैसे नंबर लिखे जाएंगे, लेकिन वो घूम के आपकी राशि के अंदर वहां बदल गए, भाव हो ही रहेंगे, यानी कि अब आपका जो शरीर है या आपका शरीर है वो कन्या राशि का हो गया। इस समय यह मालूम चलेगा क्योंकि जो हमारी बारह राशियां हैं वो अलग अलग स्वभाव की हैं, जैसे हमारे ये दो या तीन चैप्टर खत्म हो जाएंगे उसका हम राशियां पढ़ेंगे, तो फिर उसे हम उस समय यह मालूम चलता है कि भाई जो हमारा जो पहला जो घर है इससे हमारा खुद को मालूम चलता है हम कैसे हैं, और फिर हमारा स्वभाव कैसा होगा किस हिसाब से होगा तो वो हमारी कन्या राशि डिसाइड करेगी, क्योंकि कन्या राशि का जो स्वभाव होगा वो हमारे अंदर आ गया, हम शरीर हैं, हमारा धन के लिए हमारे लिए इच्छाएं कैसी रहेंगी वो तुला राशि बताएगी, वो जो है तुला राशि बताएगी हमारा परिवार कुटुंब कैसा होगा वो होगा, तो वो बताएंगे कैसी। अब इसका भी एक छोटा सा वो ले लेते हैं कि जैसे आपकी ये हो गया तो इसमें जो हमारे जो राशियां हैं तो किसकी कौन सा नंबर कौन कौन सा नंबर कौन किस किस का राशि है, उसके मालिक कौन है, भाई मालिक भी तो मालूम होना चाहिए, छह नंबर तो कन्या राशि है भाई, लेकिन वो मालिक भी तो होगा, घर खाली थोड़ी पड़े रहेंगे, इन्हें कोई मालिक भी है, मतलब जैसे कन्या राशि के बारे में तुला राशि बताएगी। नहीं वो अभी बताता हूँ, पहले मैं मालिक बता दूं, जैसे पहले आपका ले लो आप एक नंबर, ठीक है, एक और आठ, ये मंगल की राशि है, मंगल ग्रह जो है एक और आठ, मंगल राशियां हैं, एक जो जीवन देने वाला है अपने भाव के हिसाब से उतार होगी, और आठवां आपको मृत्यु रखवाला भी वही है, जीवन भी वही दे रहा है, या जो मर गया मरने के बाद दोबारा पैदा हुआ तो एक नंबर से ही पैदा होगा, कोई खून जब तक गर्म है जब तक जिंदा है, जब ठंडा हो गया धरती के नीचे चला गया तो बंदा मर गया, सेम चीज है,
तो मंगल के प्रभाव में रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है कि आपका एक और आठ जो है मंगल का हो गया, और दो और सात ये जो है कि शुक्र की राशि है। वृषभ और तुला ये दो शुक्र की राशि है, ठीक है, मतलब और उसके बाद तीन और छह यहां बढ़ते जा रहे हैं, यहां घटते जा रहे हैं। ये हो गया मिथुन, ये अपना सॉरी बुध, मिथुन और कन्या बुध की हो गई। अब इसके बाद में जो है चार नंबर आ गई, ये हो गया हमारे जो है मून, लेकिन इसकी इकलौती राशि होती है, दो जो राशि हमारे जो ग्रह हैं, एक तो मून हो गया और एक हमारा हो गया सन, इनकी कोई दूसरी राशि नहीं है। अच्छा, एक एक ही राशि है ये, कभी भी मतलब कि एक तो उल्टे नहीं चलते, वक्री कभी नहीं होते, ये हमारा सीधे ही चलते हैं, वक्री कभी नहीं होते। और एक को जो हमारे जो शास्त्र के अंदर जो है कि एक को राजा पदवी मिली हुई है, ये हमारे राजा हैं और ये उनकी रानी मून, ठीक है। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर बताता हूं राजा रानी के बारे में। अब ये हो गया पांच छह सात आठ यहां आई हैं, ये जो आठ राशियां हैं ना हमारी, इसके बारे में जानते हैं जो हमारे ऊपर ऊपर शरीर की जो राशियां हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, ये आठ की आठ राशि है, मतलब यहां तक जो हमारा जो है सारा जो सिस्टम है जो छह आठ राशि तक वो हमारे यहां से यहां खत्म हो जाए, जितने ये ग्रह भी हैं जो ये लिखे हैं मैंने, सूर्य चंद्र बुध शुक्र मंगल, ये जो है कि पास्ट लाइफ कर्मा जो लगा लो या कुछ भी अंदर में काम करते इकट्ठे काम करते हैं, और जो इनके बाद के जो दो ग्रह हैं इसमें देखो दो ग्रह बच गए हैं, एक दो तीन चार पांच तो ये हो गए, और हमारे सात ग्रह हैं, दो छाया ग्रह हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे राहु और केतु, तो ये हमारे हो गए पांच ग्रह। और इनके सारी राशियां इससे ऊपर ऊपर आती हैं हमारी, जो हमारी पेड़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, जिनसे बाकी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे या फिरेंगे कैसे वो हमारी दो बाकी राशि हैं दो। और जो जुपिटर और सैटर्न है वो हमें तो फ्री काम करते हैं, वो किसी दबाव में काम नहीं करते, क्योंकि एक हमारे धर्म गुरु है और एक हमारे कर्म फलदाता है, वो किसी के दबाव में नहीं आते, सूर्य के दबाव में नहीं आते, वो फ्रीली काम करते हैं बिल्कुल, अपना जो उन्होंने रिजल्ट देना वो देना ही देना है। जो हम लोग बोलते हैं जो हमारे कर्म हमारे कुछ बदल सकते हैं, किस्मत या कर्म, किस्मत नौ में से शुरू होती है, ये कर्म आ गया फिर हम कमाएंगे कितना, हम जाएंगे क्या लेके, वो चारों घर जो ये हैं ये इन दो जो हमारे जो ग्रह हैं यही हैं। अगर उन्हें कष्ट देना आपको लेकिन आप अच्छे काम करने लग जाओ तो होता कष्ट आपको कम मिले, अगर किस्मत में आपकी कम लिखा हुआ है कि आप बहुत ही धर्मात्मा किस्म के हैं सबकी मदद कर रहे हैं तो हो सकता है किस्मत बढ़ जाए और आप जुपिटर को अच्छा बोल दें। तो वो सारे जो है फ्रीली काम करते हैं ये, और इनके बगैर कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि हमें अगर कोई काम करना तो टांगों पर चलते चलना ही पड़ेगा ना, हम झुक लेंगे सब कुछ कर लेंगे, खड़े खड़े पेड़ है, पेड़ के टांगे नहीं है तो चल नहीं सकता भाई। तो जो हमारे काम हो रहे हैं सारे फ्रीली जो काम हो रहे हैं, जब हिलना डुलना है चलना फिरना है जो आगे बढ़ना कहीं से, वो हमारा जो है कि अपना ये दिखाएगा मेनली जो है कि जुपिटर और सैटर्न। तो नौ नंबर हो गया हमारा, जो नौ और बारह ये हो गया हमारा जुपिटर, नौ हो गया हमारा किस्मत का, और जो बारह मोक्ष अध्यात्मक का, जो लोग सन्यासी हो जाते हैं, और ये जो हमारा नौवा घर है ये हमारा जो है लॉन्ग जर्नी का भी है, नौवा जैसे ये हमारी छोटी जर्नी का था, इसके बिल्कुल सामने वाला लंबी जर्नी, लंबा घूमना, दो चार दिन रुकना, हफ्ते रुकना, वो ग्रह बताएंगे। जैसे हम कहीं वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं या हम विदेश घूमने जाएंगे, वो हमें नौवा घर बताएगा, जो हमारी किस्मत का घर है, वो हमारे लंबे ट्रेवल्स का भी है। तो वो हमारे बारहवें घर का मालिक और नौवें घर का मालिक हमारा जुपिटर।
जो हमारे धर्म कर्म को किस्मत को सबको देखता है कि वो हमें किस्मत कैसी मिलेगी, हमें नरक मिलेगा स्वर्ग मिलेगा, हमें हमें अपने देश से बाहर फेंकेगा, विदेश जाना जाना पड़ेगा हमें कमाने के लिए, वो सब लंबी जिंदगी ये देखेगा और यही किस्मत भी देखेगा क्योंकि हमारे पिताजी भी हैं। तो ये हमें दंड वैसा ही देंगे जैसे पिताजी डांटते हैं जो कोई बच्चा गलत कार्य करता है, तो हमने जो पीछे गलत कार्य किए होते हैं वो उससे आगे आके हमें सुधारने के लिए यहाँ पर। और जो हमारे 10 और 11 नंबर है राशियां, ये हमारे शनि रूल करते हैं, जिनको हमें हम कर्म फलदाता या दंड नायक बोलते हैं। तो इनको ये पदवी क्यों मिली हुई है यहां पर, 10वें में हम काम ढंग से नहीं करेंगे तो हमें कमाई नहीं मिलेगी क्योंकि शनि ने ही देनी है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अच्छा काम कर ले तो शनि कभी दुख नहीं देंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो, कहते नहीं है कि अगर कोई मेहनत करने वाला हो तो उसके लिए काम की कमी नहीं है और कभी भूखा नहीं सोता। तो वो सुनिश्चित ये करते हैं, शनि देव करते हैं कि अगर आपने काम किया तो उसके लिए कम या ज्यादा, वो मैंने बताई है किसी को कम मिलता है किसी को ज्यादा मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर, भूखा नहीं सोएगा वो। शनि किसी को भूखा नहीं सोने देते, उनका ये काम है जो काम कर रहा है उसको जरूर दो, इसलिए वो कर्म फल दाता है। अब वो जो अब इस जन्म में हमें जो मिला है तो पिछले जन्म के कर्म दे रहा है, या हमारे बचपन से जो हम कर रहे हैं वो दे रहा है, तो वो सब जो है कि शनि ने रूल करना है, तो ये हमारे कर्म फल दाता है। अब मैं बता था कि राजा रानी के बारे में बता रहा, तो हमें जो है कि ना जो हमारे जो शास्त्रों के अंदर 5 नंबर राजा का है, 4 नंबर रानी का है, और ये जो हमारे 3 नंबर है ये राजकुमार है, जिसको हम प्रिंस के नाम से जो बोलते हैं, जो कि ये छोटा बच्चे के रूप में है, ये जहां पर भी आपके चार्ट में आएगा छोटे बच्चे को दर्शाएगा या अपने बुआ बहन लड़कियों को दर्शाएगा। और जो ये शुक्र, ये हमारे जो शास्त्रों के अंदर जो बोला गया लक्ष्मी का रूप बोला गया है, उसे ग्रह लक्ष्मी कह लो या धन लक्ष्मी कह लो, ये हमारे पत्नी का कारक है। मतलब पत्नी के बारे में जब भी देखोगे आप, तो आपको शुक्र को जरूर देखना पड़ेगा, और नारी के हिसाब से चलेंगे कि नारी ज्योतिष से उसके साथ चलेंगे, तो हमारे को धन देखना है किसी का भी, तो धन देखेंगे तो हम शुक्र को देखेंगे, क्योंकि धन लक्ष्मी हो या ग्रह लक्ष्मी हो वहीं से आएगा। और एक घर जो है कि पैसों का, इसमें एक पत्नी का, अगर वैसे भी देखो आप तो मार्स को जैसे बताया था कि एक घर तो यहाँ का जो है कि आप खुद हो, एक हमारे उम्र का है, दोनों मंगल के हैं, इसी तरीके से एक आपके पैसे का है, एक आपकी तो धनलक्ष्मी है और एक आपकी ग्रह लक्ष्मी है, दोनों लक्ष्मी वो शुक्र है, इसलिए शुक्र को लक्ष्मी का रूप बोला जाता है। फिर ये हमारे तो जो है कि निकम्मे, जो बोलता राजकुमार निकम्मा हो तो शैतानी ज्यादा करेगा, अच्छा हो तो पराक्रम अच्छा हो, खिलाड़ी अच्छा बनेगा, सर्विस अच्छी मिलेगी, निकम्मा तो दर दर की ठोकरें खाएगा, कर्जा चला लेगा अपने ऊपर और जो है कि कुछ काम नहीं करेगा, हाथ पर चलेंगे नहीं उसके, निठल्ला हो जाएगा। तो वो हमारे राजकुमार साहब है, काम करेंगे तो नेक बनेंगे और काम नहीं करेंगे तो निकम्मे रहेंगे, लेकिन कहलाएंगे राजकुमार। उसके बाद में जो माता जी का आ गया, रानी है, रानी इसलिए है कि घर की मालकिन है भाई, जो घर की मालकिन होगी वही रानी बोलेगी, राजमाता उसी को बोला जाता है, और ये हमारे राजा हैं, इनका हुक्म चलता है, ये हमारे पास्ट लाइफ कर्म भी दिखाते हैं, जब हम पिछले जन्म से जो भी हम अच्छे बुरे कर्म लेके आए हैं उसको वो यहां से दिखाते हैं हमें। तो ये 5 नंबर जो हमारा भाव है वो बता रहा हूं मैं, एक तो साइन तो जहां लिखाऊंगा वहां पर काम करेंगे ही, तो ये राजा इसलिए बोले गए हैं, ठीक है। तो ये राजा हो गए, ये हमारे मंत्री हैं, ये राजा को सलाह देते हैं, जैसे मोदी राजा हो गए। तो एक बात बताता हूं ना, ये हमारे बॉस भी हैं, अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं काम कर रहे हो तो ये बॉस है आपके, लेकिन उस कंपनी का मालिक जो होगा वो आपके राजा है, तो ये बॉस है, तो ये बॉस हो गए आपके 9 और 11 मंत्री हो गए, और आपके जो उसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनी में बॉस हो गए आपके, ठीक है। ये शनि सेवक के रूप में माना जाता है, मलिच, जो आपके छोटे कार्य करने वाले हैं, मजदूरों को मान लो, सब्जी बेचने वाले हो गए, रिक्शा चलाने वाले हो गए, ड्राइवर हो गए, जो 4th क्लास के अंदर जो सर्विसेज आती हैं वो सारी शनि करता है, क्योंकि उसे मेहनत ज्यादा होती है, पैसे कम होते हैं, और पैसे से कोई मतलब नहीं होता।
इसे कर्म करने से ज्यादा मजा होता है, जहां कर्म जितना करेगा उतना जरूर मिलेगा, शाम को खा जरूर मिलेगा। ऐसे आराम की इच्छा इसको नहीं होती, वैराग्य करूं बोला जाए इसको वैसे ही। फिजिकली काम होता है, कर्म फल दाता है, तो यही करेंगे ना। फिजिकली जो है मेहनत जो करता है फिजिकली, वो यही कर सकता है। ये जुपिटर जो है ना, ये राजगद्दी पे बैठ सकता है, ये फिजिकली मेहनत नहीं कर सकता। राजगुरु है, राजा ने पूछा जी सलाह दो, कुछ मंत्री ने सलाह दे दी, अब करना ना करना तुम्हारे बात, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये तो है कि ऐसी जगह बिठा देगा, टीचर बना दिया, आपने पढ़ा दिया। अब बंदे को जो सामने जो बच्चे हैं उनको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। कोशिश तो ये अपनी पूरी करेंगे, लेकिन नहीं आया तब भी इनको कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 100 को पढ़ा रहे तो कम से कम उसमें 75 तो अच्छे निकलेंगे ही, तो इनको उनसे ही नाम हो जाएगा, इनका तो संतुष्टि हो जाएगी। अपनी तरफ से तो ये चाहेंगे कि 100 के 100 अच्छे बच्चे हों, मेरा नाम होगी, मैंने सब कुछ जिसको कोई शिक्षा दी है वो बहुत ही अच्छा संस्कार है उसके अंदर, तो ये संस्कार ही है। तो इस तरीके से हमारे जो सौर मंडल के जो है राजा रानी के रूप में बांटे गए हैं, और इसमें जो है कि एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, जो शुक्र है हमारे, ये धन और लक्ष्मी के रूप में तो जाने ही जाते हैं, इनका एक रूप और भी शुक्राचार्य हैं, जो हमारे देवताओं के गुरु हैं। उनको जब कम कम जानेंगे, जहां पर मतलब कि ये थोड़ा पाप प्रभाव में आ जाते हैं, जब हम आगे चर्चा करेंगे तब इसके बारे में खुलकर बताएंगे, तो ये शुक्र है, ये शुक्राचार्य है। जैसे 9 नंबर गुरु का स्थान है, तो वो 9 नंबर अगर ये कहीं पर भी आपको इस घर के अंदर, ये एक टेक्निक भी है, जो अगर ये गुरु का स्थान है और यहां पर शुक्र आके बैठ जाए, तो वो धर्म वर्म को नहीं मानता, फिर तंत्र मंत्र को मानता। जैसे ये जो ज्योतिषी होते हैं, एक होते हैं जो गुरु से प्रभावित होते हैं, और एक होते हैं जो शुक्र से प्रभावित होते हैं, गुरु दोनों ही है। और तुम्हारे ज्ञान के लिए बता दूं, जो शुक्र है ना उनको गुरु से ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि गुरु को तो ये पूजा पाठ मंत्र संतर ये सब तो आते हैं, जो सात्विक रूप से किए जाते हैं, इनको तंत्र मंत्र नहीं आता, इनको संजीवनी विद्या नहीं आती, जो मरे को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन जो शुक्राचार्य थे वो मरे हुए को भी जिंदा कर देते थे, उनके अंदर इतनी तगड़ी विद्या थी। तो ये जो है कि शुक्राचार्य ही है, जो वैसे देवताओं में पैदा हुए थे लेकिन किसी कारण से नाराज हो गए, ये जाके देव जो राक्षसों के गुरु बन गए थे, और उनको सिखाने लगे थे, और जो कि देवताओं से लड़ने लगे थे। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। तो मेरे को यकीन है अब सब सही हो गया यार, कोई चीज डाउट? जो शुक्र है उसमें भी तो वो मतलब उसमें धन भी तो आता है ना, तो आजकल ज्यादा लोग धन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब राक्षस भी तो क्या करते हैं, प्रैक्टिकली ज्यादा ध्यान देते हैं और धर्म वगैरह पे कम ध्यान देते हैं, तो जो वहां आ गया वो तो शुक्र ज्यादा होता है। ऐसे जो 12वें पहुंच गया भोग विलास, यहाँ पर संन्यास का बताएगा, लेकिन वो भोग विलास ज्यादा कराता है, शुक्र जो है वहां 12वें पहुंच गया तो भोग विलास का होता है, सन्यासी अन्यासी का चक्कर छोड़ दो, भोग विलास के अंदर घुस जाता है वो, क्योंकि वो शुक्र है, वो नहीं करता किसी से, वो अंतर संतर सब जानता है, उसे मालूम है ठीक कर लूंगा। इसी तरीके ज्योतिषी हैं, 2 तरीके के ज्योतिषी मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा जो जुपिटर से प्रभावित होगा, एक होगा शुक्र से। तो जुपिटर से प्रभावित होगा बोले वाले नहीं घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, भगवान की पूजा करोगे, मंगलवार के व्रत कर लियो, मंदिर जाना शुरू कर दे, सब उद्धार हो जाएगा तेरा। और जो शुक्र से प्रभावित होंगे बोलेगा मेरे पास आ गया तो मैं सब ठीक कर दूंगा, ऐसा कर तो इतने पैसे थे, हम यहाँ पर जो हवन कुंड सजाते हैं, आप ये मंत्रों से उच्चारण करते हैं, मंत्र तंत्र से लाकर उसको यहीं बुलाते हैं, जो बला आला है यहीं खत्म करते हैं तेरे तंत्र मंत्र से, वो इस तरीके के होंगे। आ गया, तो अगली बार दूसरी चर्चा करेंगे, ठीक है।